जब जब बाहर आए। मैंने कामियों को समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं। भाभी ये वक्त फायदा देखने का नहीं है। अगर आज आप चुप रहे तो नुकसान उन दो मासूम बच्चों का होगा। तो क्या करूं मैं? आप कामिया को समझाइए कि वो बच्चों की कस्टडी के लिए ना लड़े। तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही? तुम्हारे कहने का मतलब है कि कामिया से कहूं कि बच्चे मनीष को दे दे? शांति हो सुच्ची, बच्चों का भविष्य तब खराब होगा जब वो मनीष के साथ रहेंगे और मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। अगर कामिया बच्चों की कस्टडी के लिए लड़ेगी ना तो मैं और तेरे भाई साहब कामिया का ही साथ देंगे। पर भाभी आपको क्या हो गया है? आप तो ममता की मूरत थी ना, बड़ी सी बड़ी गलतियों को माफ कर देती थी, फिर आज मनीष के लिए अपार प्रेम कहाँ चला गया, कहाँ खो गया? मनीष के लिए मेरी ममता कहीं खोई नहीं है सुची, बस कुछ समय के लिए कमजोर पड़ गई थी और उन्हीं कमजोर क्षणों में मनीष से इतनी बड़ी गलती हो गई। बच्चे जब छोटे होते हैं ना तो माँ बाप की पैनी नजर होती है उन पे, उनकी हर हरकतों पे ध्यान रखते हैं, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप लापरवाह हो जाते हैं। सोचते हैं कि बच्चे तो बड़े हो गए, समझदार हो गए, आजकल की जेनरेशन है, अपना भला बुरा समझते हैं। बस यही गलती कर जाते हैं माँ बाप। अरे माँ बाप का फर्ज तो मरते दम तक खत्म नहीं होता। मरते दम तक माँ बाप बच्चों को ज्ञान देते हैं कि उनका अंतिम संस्कार कैसे करना है। ये गलती मनीष ने नहीं, मैंने की है। कामिया को इस घर में ब्याह के लाई थी उसके माँ बाप से ही वादा करके कि मेरा बेटा, हाँ सोची मेरा बेटा मनीष कामिया और उसके परिवार का पूरा ख्याल रखेगा। लेकिन मनीष ने अपना वादा पूरा नहीं किया तो फिर गलती मेरी हुई ना। कुछ भी हो भाभी पर मनीष रहेगा तो आप ही का बेटा ना, इसीलिए तो मैं ये सजा भुगत रही हूं। जानती हो सुची, जब बेटे को तकलीफ होती है ना सबसे ज्यादा दर्द माँ को होता है। मनीष को ये तकलीफ देखकर सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे हो रही है, लेकिन मैं ये तकलीफ सहूंगी क्योंकि मनीष ने जो कामिया से वादे किए थे उन्हें मैं पूरा करूंगी। कामिया को उसका हक दिला के, और ये तब पूरा होगा जब कामिया के बच्चे उसके पास आएंगे। कामिया को इंसाफ दिलाने के लिए मैं अपनी ममता की कुर्बानी दे दूंगी और इससे तकलीफ सिर्फ मुझे होगी, सिर्फ मुझे। का ये सफर तो लहरों के है हवाले, रिश्तों की नाव डूबे संभले नहीं संभाले। ओ इनकी हर एक खुशियाँ तकदीर के हवाले, ला 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 ला।
हाँ बोल, क्या नाम बताया? शुक्ला, राजेश शुक्ला। देखिए मेरे बच्चों का सवाल, काम तो हो जाएगा ना? अब तुम मेरे बच्चों को मुझसे नहीं छीन सकती वो काम, बिकॉज आई एम हायरिंग द बेस्ट लॉयर ऑफ द कंट्री। अरे जुगनू, काम्या ने खाया कुछ? जी पता नहीं, पर मैंने दादी को देखा था उनके कमरे में जाते हुए। मैं गई थी उसके पास, खाना खिलाकर आई हूं, लेकिन अभी भी वो टेंशन में है। उसे डर है कि मनीष बच्चों को हासिल करने के लिए कानून का सहारा भी ले सकता है। क्यों, हमने चूड़ियां पहन रखी हैं हाथ में। काम्या को समझा देना, बड़े से बड़ा वकील करूंगा लेकिन बच्चों को उस चरित्रहीन के साथ नहीं जाने दूंगा। साहब जी, मैं कहता हूं एक बार मनीष भैया से पूछ कर तो देखो, चाहते क्या है वो, क्यों कर रहे हैं ये सब। तू पूछ लेना, तेरे मुंह में जुबान नहीं या खोपड़ी में दिमाग नहीं? जुगनू बेटा, सब तेरे जैसे सीधे और सच्चे नहीं होते हैं। ये जो मनीष है ना, ये उस लड़की के साथ बहुत दूर तक जा चुका है। तू जा, तुझे समझ नहीं आएगा। कविता, काम्या को समझा देना कि पूरा परिवार उसके साथ है। एक बार आप क्यों नहीं बात कर लेते उससे, उसे तसल्ली हो जाएगी। क्या मुंह लेके जाऊं उसके पास? हाँ, क्या मुंह लेके जाऊं? हाथ जोड़ कर लाया था उसे इस घर में कि चल बेटा, खुशियां तेरा इंतजार कर। और क्या मिला उसे? मुझसे नहीं होगा ये। बोलिए चाचा, क्यों बुलाया मुझे यहाँ पर? घर तो आना नहीं चाहता था और तुझे मिलना बहुत जरूरी था, इसलिए यहाँ बुलाया। बोलिए। इस बात की तसल्ली हुई कि अभी भी तू इस रिश्ते की कदर करता है जो मेरे बुलाने पर यहाँ मिलने चला है। चाचा, अगर आप भी मुझ पर कोई इल्जाम लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, क्योंकि मैं एक गैर जिम्मेदार आदमी, एक गिरा हुआ बाप बेटा और पिता। बोलिए, क्या इल्जाम लगाना चाहते हैं आप मुझ पर? देख मनीष, गलती तो तुझसे हुई है पर आज तू गलत नहीं। आज तो तू अपनी गलती का प्रायश्चित करने जा रहा था और पकड़ा गया। जब जुर्म किया तब पकड़ा नहीं गया, और जब प्रायश्चित करने गया तो पकड़ा गया। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना चाचा, जब मैं सुधर गया तभी मुझे सारी सजाएं मिल रही। देख मनीष, मां कहती है कि धर्म कर्म का लेखा जोखा इसी दुनिया में होता है। जब तू गलती कर रहा था तब तुझे सजा नहीं हुई, क्योंकि अगर भगवान तुझे उसी वक्त सजा देता तो तुझे उस गलती का और उससे होने वाली सजा का एहसास नहीं होता। सब समझ रहा हूं तेरे दिल के हालात, सब समझ रहा हूं, पर तुम्हें प्रायश्चित तो करना ही होगा।
यू चाचा मुझे समझने के लिए, लेकिन मैं प्रायश्चित करने को तैयार हूं, पर ये प्रायश्चित ही तो कर रहा हूं मैं। पर किस कीमत पर? समझा नहीं। देख मनीष, मुझे पता चला है कि तू बच्चों की कस्टडी के लिए कानून का दरवाजा खटखटाने वाला है। तुझे पता भी है तू क्या करने वाला? अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ तू जुल्म कर रहा है, अपनी इस जिद में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है तू। अरे वो मासूम बच्चे जिनको अपने जीवन के डेफिनेशन के बारे में पूरा पता नहीं है, वो पहले अपने माता पिता के डिवोर्स को लेकर बातें कर रहे थे और अब अपनी कस्टडी को लेकर बातें करेंगे। बेशक बेशक तुम और कामिया अलग हो गए, पर माधवी चिंटू के बारे में सोचा? तुम उनके लिए पेरेंट्स हो, और पेरेंट्स का मतलब जानते हो, माता पिता एक साथ। अपनी इस लड़ाई से बच्चों को दूर रख। कमाल चाचा, कमाल। मुझे लगा कि आप मेरे दोस्त, मेरे हमदर्द बनकर आए और मुझे सिंपथी जताने आए, लेकिन अब समझा कि आप मेरी तरफ से नहीं, कामिया के मैसेंजर बनकर आए। बहुत खूब, बहुत खूब चाचा, क्योंकि आपको, कामिया को, यहां तक कि घर के हर एक शख्स को पता है कि मैं बच्चों को अपने साथ लेकर जाऊंगा, उनकी कस्टडी लेकर रहूंगा, और मैं ये आज आपके मुंह पर कहता हूं, ये मैं कर कर रहूंगा और मुझे कोई नहीं रोक सकता। कोई कुछ नहीं जानता और ना ही कोई तुझसे डरता है मनीष। यही बात हम तुझे और कामिया को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं चाचा, आप मेरे लिए नहीं, आप प्यार के पैकेट में ना एक डील लेकर आए, जो कि मुझे समझ आ गई। आपको मेरे बारे में जो कुछ भी समझना है ना, आप समझ सकते हैं, लेकिन मैं बच्चों की कस्टडी लेकर रहूंगा और मुझे कोई नहीं रोक सकता, समझे? जब जब बहार आए। आपको मेरे बारे में जो कुछ भी समझना है ना, आप समझ सकते हैं, लेकिन मैं बच्चों की कस्टडी लेकर रहूंगा और मुझे कोई नहीं रोक सकता, समझे? और कुछ कहना है आपको? नहीं। मनीष, काश तू ये समझ पाता कि तेरा एक गलत कदम चिंटू माधवी की जिंदगी के लिए खतरा बन सकता है। काश कामिया ये बात समझ पाए। वाहेगुरु, अब घर के लोगों के मसले बाहर के लोग सुलझाएंगे। ये कैसा इंसाफ है बेबे? बेबे, ये बेबे का सैटेलाइट ना बहुत तेज है। वैसे बेबे को चाहे सुनाई नहीं देता, पर जैसे उसका नाम लूं ना फोन आ जाता है। बेबे सत श्री अकाल। सत श्री अकाल पुत्र, जिंदा रहे, कैसा है तू? क्या बताऊं बेबे कैसा हूं। इस घर में ना बेबे बहुत बड़ा पंगा हो गया है। नंगा हो गया है? क्या कहता है जुगनू, अब तू बड़ा हो गया है, ऐसी हरते ना करया कर। शहर जाके वहां की हवा खा के कहीं तेरे को वही रंग तो नहीं चढ़ गया?
बेबे मेरी माँ, मैं कह रहा हूँ कि इस घर में बहुत बड़ी परेशानी आ गई है। नानी आ गई है? किसकी नानी आ गई है? अभी तो मेरी भी उम्र होती जा रही है और वहाँ तेरे को नानी दिखाई दे रही है। जुगनू अपने दिमाग को ठीक रख, इलाज करा, नहीं तो मेरे पास आ जा उल्लू। बेबे एक तो तुमको सुनता नहीं है, ऊपर से मुझे ही उल्लू कह रही है। बेबे मैं उल्लू नहीं हूँ। क्या कहा, तू जुगनू नहीं है? क्या खिलाते तेरे साहब लोग, कुछ समझ में नहीं आता। अच्छा बेबे सत श्री अकाल। सत श्री अकाल, चुकर है तो नहीं पलाया? ये बेबे को तो सुनता नहीं है, इससे कुछ नहीं होगा। हे माता रानी, तू ही बचाए इस घर को वकीलों के चक्कर से। Yes? जी मैं कामया बोल रही हूँ। आपने मेरा और मेरे हस्बैंड मनीष मेहरा का डिवोर्स करवाया था। कामया मेहरा, राइट? आप शायद भूल रहे हैं कि मेरा डिवोर्स आपने करवाया था, अब मैं सिर्फ कामया हूँ। ओह सॉरी सॉरी। हाँ बोलो कामया, क्या बात है? मुझे एक्चुअली उसी केस के सिलसिले में आपसे बात करनी थी। देखो कामया, अभी तो मैं बिजी हूँ। ऐसा करो शाम को तुम मुझसे मिलने आ जाओ। ठीक है, मैं आपको ऑफिस के बाद मिलती हूँ। थैंक यू, बाय। कामया बेटा, तेरे पापा को जब से मनीष के बारे में पता चला है, मुझसे कह रहे थे कि किस मुंह से कामया के सामने जाऊं। जब जब बहार आए, तेरे पापा को जब से मनीष के बारे में पता चला है, मुझसे कह रहे थे कि किस मुंह से कामया के सामने जाऊं। लेकिन तू चिंता मत कर, हम सब तेरे साथ हैं। मैं आपके जज्बात समझती हूँ मम्मी जी, और मैं ये भी जानती हूँ कि आप में से कोई भी मुझे परेशान नहीं देख सकता। लेकिन जब रोना मेरी किस्मत में लिखा हो तो कोई कुछ कर भी नहीं सकता। एक एक करके सब कुछ मुझसे छिन गया, अब बस मेरे बच्चे ही मेरा जीने का सहारा है। अगर मनीष ने मुझसे वो भी छीन लिया तो? नहीं कामया, मनीष की इतनी हिम्मत नहीं है कि एक माँ से उसके बच्चे जुदा कर दे। ये कह रहे थे कि बड़े से बड़ा वकील करेंगे। मैंने वकील से बात कर ली है मम्मी जी। जिस वकील ने हमारा डिवोर्स करवाया था उसी से मिलने जाना है। ठीक है बेटा, देख तुझे ये लड़ाई लड़नी है, बच्चों की चिंता बिल्कुल मत कर, मैं हूं ना, मैं देखूंगी। लेकिन तुझे अब हारना नहीं। जी चलती हूँ।
तलाक तक तो ठीक है, पर ये बच्चों के लिए वकीलों के चक्कर लुकवा दीजिए। ये कैसी लड़ाई है जहां मासूम बच्चों की मासूमी तक का गला घोटा जा रहा है। आपने सुनी इनकी बातें? यकीन नहीं होता कि ये वही चिंटू और माधवी हैं कल तक जिनकी शरारतें खत्म नहीं होती थी। आज तो ऐसे लगता है जैसे दुनिया भर की चिंताएं उन्हीं के सर पे हो। अभी इतने भी बड़े नहीं हुए हम, रुकवा दीजिए सब।